वेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर, कुणाल खेमू, सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म कलंक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में। क्यों इस फिल्म को वेडनेसडे रिलीज एक फायदा पहुंचाएगी, क्या है इसकी एडवांस बुकिंग का हालत इंडिया में, एंड क्या ये फिल्म पहले दिन इतनी कमाई करेगी कि इसका बजट रिकवर हो जाए। लेट्स सी द बज ऑफ द फिल्म कलंक आज के एपिसोड में। वेल फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पहले तो इसके स्क्रीन काउंट से। स्क्रीन से आराम से 3,000 से 3,500 मिलेंगे, क्योंकि गाइस धर्मा प्रोडक्शंस एक जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहले से ही सारे के सारे सिंगल स्क्रीन्स बुक कर लिए गए हैं, जितने भी होल्ड ओवर फिल्म्स है, चाहे वो रॉ हो, केसरी हो, या जितनी भी फिल्में हैं जो फिलहाल इंडिया में चल रही है, उनके सारे के सारे स्क्रीन्स, ऑलमोस्ट 90% स्क्रीन्स कलंक को ऑलरेडी मिल चुके हैं। नंबर टू, द टिकट प्राइसेस ऑफ कलंक। यस मेरा भाई, द टिकट प्राइसेस ऑफ कलंक हैव बीन इंक्रीज्ड। अगर आपके नजदीकी सिनेमा घर में जहां आप जाते हैं फिल्म देखने के लिए, वहां पर यूजुअली स्टॉल अगर 100 रुपए की होगी तो कलंक के लिए उस फिल्म के लिए टिकट होगी 115 या 120 रुपए। बालकनी अगर 150 होगी तो आपका टिकट का भाव होगा 170। अगर आप मल्टीप्लेक्स व्यूअर है तो मल्टीप्लेक्स की टिकट अगर 300 की लेते थे आप, तो वो आपको पड़ेगी 340 या 345 में। ये होगा कलंक के टिकट का हाल। अब बात करते हैं इसके ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और इसके एडवांस बुकिंग के बारे में। यस मेरा भाई, एडवांस बुकिंग जो हम नापते हैं, यूजुअली जो डेटा लिया जाता है वो बड़े बड़े सिनेमा घर है, जैसे मुंबई में गेटी गैलेक्सी हो, दिल्ली में जो आसिफ अली रोड पे डिलाइट सिनेमा हो, या फिर जयपुर का राज मंदिर सिनेमा हो, या फिर नोएडा में, या फिर दिल्ली में जितने भी सिंगल स्क्रीन हो, या फिर जो मल्टीप्लेक्सेस है, यहाँ पे बेंगलुरु में मल्टीप्लेक्सेस है, या फिर चेन्नई में मल्टीप्लेक्सेस है, या लुलु मॉल में जो कि कोची का पीवीआर है, उसके डेटा के मुताबिक कलंक की एडवांस बुकिंग इतनी इनकरेजिंग नहीं है। गेटी गैलेक्सी ने मुंबई में इसे 6 स्क्रीन्स दिए हैं। यस मेरे भाई, यूजुअली बड़ी से बड़ी फिल्में, इवन अक्षय कुमार केसरी हैड जस्ट 4 स्क्रीन्स इन गेटी, लेकिन कलंक को यहाँ पे 6 स्क्रीन्स दिए गए हैं, 4 शो गेटी में, 2 शो गैलेक्सी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ और सिर्फ 15% या 20% है। अब गाइस यूजुअली जो फ्राइडे के सीन्स रहते हैं वहां पे यूजुअली लोग कहते हैं कि फिल्म को अगर ऑक्यूपेंसी अच्छी नहीं मिली तो जुम्मा की नमाज थी, यूजुअली लोग जुम्मा पढ़ने गए थे, इसलिए पहला शो ठंडा जाता है। इसलिए गाइस जुम्मा को और मद्देनजर रखते हुए जितने भी ट्रेड एनालिस्ट है वो जो शोज रहते हैं यानी के 3 बजे के बाद के, उसको कंसिडरेशन में लेते हैं, लेकिन कल न जुम्मा है न फ्राइडे है, कल एक वेडनेसडे। यस मेरा भाई, 17 अप्रैल यानी कल महावीर जयंती की नेशनल हॉलिडे है, बैंक हॉलिडे है, और इसके बावजूद फिल्म की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी जरा भी इनकरेजिंग नहीं है। अब गाइस, क्या कलंक एक ऐसी फिल्म है जो कि वर्ड ऑफ माउथ पे चले? वेल फ्रेंड्स, यूजुअली वर्ड ऑफ माउथ पे जो फिल्में चलती है वो अपने फिगर्स कहीं ना कहीं 80-100 करोड़ पे खत्म कर देती है। कलंक उस तरह की फिल्म नहीं कि ये 100 करोड़ पे अगर खत्म हो गई तो ये हिट डिक्लेयर होगी। इट्स अ हाई बजट मूवी, ऑब्वियसली इसका पूरा मैं ब्रेकडाउन आपको, इसका पूरा बिजनेस मैं आपको 3-4 दिनों के बाद बताऊं, क्योंकि फिल्म का बजट उस आखिरी दिन तक चलता है, यानी कि शो जिस दिन है उस दिन 12 बजे तक चलता है, जब तक पहला शो शुरू नहीं होता फिल्म का बजट चलते रहता है। तो इसका जो बिजनेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कितनी बजट है, क्या है, ऑल दैट स्टफ। अब गाइस बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। नंबर 1, टिकट रेट्स आर हाई। नंबर 2, स्क्रीन्स खचाखच भरे हुए हैं। अगर इतने स्क्रीन्स में 20-25% ऑडियंसेस भी आ जाती है तब आई थिंक कलंक विल टेक एन ओपनिंग नॉट लेस देन 15 करोड़ रुपीज। यस मेरा भाई, मुझे लगता है कलंक कहीं ना कहीं 15 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग लेगी, एंड गाइस विद सम बिग नेम्स इन्वॉल्व। और कल छुट्टी है, ओवर द टिकट काउंटर सेल जिसे कहते हैं, यानी कि पब्लिक जो वॉक इन ऑडियंसेस रहती है, यानी कि जो काउंटर पे आके अपना पैसा देके टिकट खरीदती है, जो एडवांस बुकिंग में विश्वास नहीं रखती, उनका जो भीड़ का जमावड़ा है कल ज्यादा देखने मिलेगा। वरुण धवन स्टार पावर विल बी अ टेस्ट टुमारो, आलिया भट्ट स्टार पावर विल बी अ टेस्ट टुमारो, बाबा और माधुरी दीक्षित को देखने उनके शेयर ऑफ फैंस आएंगे, आशिकी फैंस विल कम इन फॉर आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा। तो लेट्स सी गाइस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कलंक विद कीपिंग द स्क्रीन काउंट इन माइंड, द नंबर ऑफ थिएटर्स गिवन टू देम एंड ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, ये फिल्म कहीं ना कहीं कल 18-20 करोड़ के बीच में बिजनेस करेगी, इतना मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं। अब इसके बाद फिल्म का कंटेंट बोलेगा। और नंबर 2, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये इसका रन टाइम है। रन टाइम नंबर 1,
जो ड्रॉबैक है इसका रन टाइम है जो कि 2 आवर्स यू नो ऑलमोस्ट 48 मिनट्स है, 58 मिनट्स है जो भी है, दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सक्रूशिएटिंग थिंग फॉर द ऑडियंसेज. क्योंकि गाइस आज के जमाने में ऑडियंसेज 2 मिनट्स नूडल्स हो गई है. मैंने उस दिन भी कहा था कि क्या ऑडियंस 3 घंटा इस फिल्म में बैठ पाएगी या नहीं बैठ पाएगी, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. लेकिन गाइस दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहां पर यह आएगा कि अगर आपकी फिल्म तकरीबन 3 घंटे की रहती है, तब गाइज अगर आप स्टार्टिंग के एड्स को मिला लो, उसके बाद इंटरवल के टाइमिंग को मिला लो, तब गाइज एक शो के लिए आपको लगभग लगभग 3 घंटा 20 मिनट देना पड़ता है. यानी कि अगर दिन में आपके 4 शोज होने वाले रहते हैं तो कलंक के जो एक्स्ट्रा टाइमिंग है इसके वजह से आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही शो दिखा पाओगे. तो गाइस 2 आवर्स 48 मिनट्स इज नॉट अ रेस्ट रनिंग टाइम. इसलिए थिएटर वालों को भी नुकसान होगा, उनको भी अपनी जो टाइमिंग है बराबर से प्लान करनी होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल थिंग्स, कलंक लुक्स गुड ऑन यू नो स्क्रीन. ट्रेलर थोड़े अंडरवेलमिंग थे, टीजर अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, बड़ी फिल्म है, मैग्नम ओपस है धर्मा की, वरुण धवन आलिया भट्ट की जोड़ी है. लेट्स सी गाइस कल ये क्या कमाल करती है, या फिर टाई टाई फिश हो जाती है तो बॉक्स ऑफिस पर चलेगा. मेरा प्रेडिक्शन डे 1 18 to 20 crore रुपीज. एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कल कलंक का रिव्यू आपको 1 बजे से पहले मिल जाएगा. मियां अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.